हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि दोस्तों आपकी रक्षा मंत्रालय या फिर यूं कहें कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपके अलग अलग ट्रेड हैं। बार बार है, सफाई वाला है, चौकीदार है, माली है और भी बहुत से ट्रेड हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट बोल रहे थे, सर आप इसके बारे में थोड़ा और बताएं और इसके बारे में हमको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, आज आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलने वाला है और आप कैसे उसको भरेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, एंड इसके साथ साथ आप लोग क्या मिस्टेक ना करें ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक चीज़ को। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण कागजात कौन कौन से लगेंगे जो कि हमको लिफाफे में लगाने होंगे, या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे क्या, सात। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले तो आपको बता दें कि आपकी लास्ट डेट क्या है, 27 जून है। 21 ले गया, 27 जून आपकी लास्ट डेट है, मतलब कि इसी महीने की 27 तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप बात करते हैं कागजात की, तो सबसे पहले दोस्तों आवेदन पत्र साथ में हस्ताक्षर। जैसे कि आपको पता होगा, आप एप्लीकेशन लगाएंगे तभी आपको वहां पर सबमिट किया जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको उसके नीचे साइड यहाँ पर आपको अभी हम दिखाएंगे, वहां पर आपको हस्ताक्षर मांगे गए हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर, तो आपको वहां पर हस्ताक्षर करना है। सेकेंड क्या आता है, 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज होते हैं, आपको लगाना है यदि आप 10वीं बेस से फॉर्म डाल रहे हैं। और दोस्तों, उस पर आपको क्या करना है, आपके स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड। इसी प्रकार से यदि आप 12th बेसिस से डाल रहे हैं तो दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट और सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, है ना, मतलब कि स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं दोनों कॉपीज पर। एंड इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र या कॉस्ट सर्टिफिकेट, तो दोस्तों आपको इसको भी लगाना है। और इसके साथ साथ आप यदि SC ST OBC से हैं तो आप लगाना बेहतर समझें, वरना आप UR से बिलोंग करते हैं, आपको कोई आरक्षण नहीं मिलता, तो आपको यहां पर लगाने की जरूरत नहीं। और आप लगा रहे हैं तो दोस्तों यहां पर आप सेल्फ अटेस्टेड कर दें, मतलब कि स्वयं के हस्ताक्षर जरूर करें। इसके बाद मूल निवासी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यदि आपने ये नहीं लगाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर लगाएं और इस पर भी आपके हस्ताक्षर करें। फिर नेक्स्ट आता है क्या, पांचवें नंबर पर, दो पासपोर्ट साइज कलर फोटो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आपको मैं फॉर्म दिखाऊंगा उसमें आपको कलर फोटो लगाने के लिए स्पेस होगा, आप लगाइएगा और एक दो आप उस लिफाफे में ही रख दीजिएगा और उसके बैक साइड में अपने साइन, एंड इसके साथ साथ आप पोस्ट कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो, और आपका नाम वगैरह आप सब कुछ डाल सकते हैं, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं छठवें नंबर पे क्या है। तो दोस्तों, आपको एक लिफाफा जिसमें आपको ₹25 का टिकट लगाना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, तभी जाके आपका लिफाफा वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, ₹25 का लिफाफा आपको लिफाफे के ऊपर टिकट लगाना है। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट आता है सातवां क्या, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या अनुभव प्रमाण पत्र। दोस्तों, यदि आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें अनुभव मांगा है या फिर एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना अनिवार्य है। चलिए, ये तो हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको लगाने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मेट कैसा रहेगा जो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं अभी। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे क्या, एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, अभी क्रिएट किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, आप लोगों से बोलना चाहूंगा, यदि आप हाँ थोड़ी बहुत हमको आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो इसके लिए भी लिंक प्रोवाइड है, आप उस फॉर्म को रिसीव कर सकते हैं कुछ चार्जेस देकर। और यदि आप पुअर हैं, मतलब कि आपकी गुंजाइश नहीं है थोड़ा बहुत मिनिमम चार्ज देने की, तो आप सेकंड चैनल पे जाना, वहां पर इसकी लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। सिर्फ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस चैनल की भी मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा, उसमें एक ही वीडियोज है, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एप्लीकेशन का लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ये है किसके लिए, जो सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर है, थोड़ा बहुत मिनिमम अमाउंट भी नहीं दे सकते,
पर यदि आप दे सकते हैं तो आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैं बता दूं, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर 155 बेस हॉस्पिटल। देन इसके बाद दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोस्ट अप्लाइड, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपको उसका नाम लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट। नंबर आता है सेकंड, यहाँ पर आपको नाम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स ये लिखना है। इसके बाद आता है फादर्स गार्जियंस नेम, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों कैपिटल लेटर का मतलब बड़े वाले अक्षरों में ही लिखना है, स्मॉल में नहीं लिख देना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड मैच करते हैं। ओके, यहाँ पर देखना फादर्स या गार्जियंस नेम, आपके पालक का नाम लिखना है, पिता का, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ पर आपको किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एस सी एस टी ओ बी सी वो डालना है, और आपको यहाँ पर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस विद पोस्टल पिन, मतलब कि आपको आपके पिन के समेत यहाँ पर एड्रेस डालना है, आपका जो भी पोस्ट हो आपका पिन लगता हो वहाँ का आपको पिन डालना है और इसे एड्रेस डालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सातवां। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हम आ गए अगले पॉइंट पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आपको लगाना है, जो कि मैं अभी लास्ट वीडियोज में बता चुका हूँ, नीचे अभी वीडियोज नहीं दोस्तों बैक साइड अभी मैंने बताया था पहले ये से कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लिख देने हैं कि आपने कौन कौन से लगाए हैं, नेम लिखना है एंड इसके साथ साथ आपको अटेस्ट करना है फॉर्म के साथ। ओके, यहाँ पर दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, आपको अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि स्वयं के हस्ताक्षर जरूर करने हैं, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, विशेष ध्यान देना। नंबर आप यहाँ पे ऐड हुआ है क्या, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर आप मोबाइल नंबर जरूर डालें, आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए अनिवार्य रहता है। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है, जो कि दोस्तों जैसे कल मैंने बताया था आपको भारत का नागरिकता सर्टिफिकेट लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों यही रहेगा, आधार कार्ड आप इसका नंबर डाल लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट आता है दसवां पॉइंट क्या, आपका पैन नंबर, जी हाँ दोस्तों आपका पैन नंबर होगा, वो भी यहाँ पे जरूरी है, आप प्लीज यहाँ पे एंटर करें। और दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ पर अपने साइन करने हैं, ओके, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करें, आपके प्लेस का नाम डालें, किस प्लेस से आप अप्लाई कर रहे हैं डाल रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ डालें, बस दोस्तों इतना ही करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दी है दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिनिमम अमाउंट वाली लिंक है, जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आर्थिक सहायता कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे है, और यदि आप नहीं कर सकते, आप पुअर हैं, तो दोस्तों आप सेकंड चैनल की लिंक भी दी है, वहां पे जाइए डिस्क्रिप्शन से, इस वीडियो का मतलब कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।